फ्रेंड, जैसा कि अभी तक हमने ब्रैकियल प्लेक्सस कंप्लीट किया, तो देखो ब्रैकियल प्लेक्सस कंप्लीट हुआ तो अगर आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो आप ब्रैकियल प्लेक्सस पर उतना ही लिखोगे, ठीक है। और अगर आपसे पर्सनली क्वेश्चन करते हैं कि डिफाइन एब्स पैरालिसिस या ऐसे दे देते हैं हेडिंग लेजेंस ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, तो आपको लेजेंस ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस पूछ लेते हैं तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो मेन ब्रैकियल प्लेक्सस में उतना ही बताया मैंने, क्लिनिकली बताया है कि कैसे लिखना है, वो तो आप देख लो वीडियो जाके, ठीक है, अगर आपने पहले नहीं देखा है। ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है एब्स पैरालिसिस, और जो इसका दूसरा क्लिनिकल है दैट इज़ द क्लम्पे के पैरालिसिस, तो डिटेल वीडियो होने वाला है कि होता कैसे है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी जो भी बताऊंगा सब आपको दिखेगा, तो चलो डोंट वरी, आपको फ्रेम दिमाग में पहले लाइनिंग क्या लिखा, देखो एब्स पैरालिसिस द अपर प्लेक्सस इंजुरी, तो मैं एक चीज़ आपको पहले दिखाता हूँ, फिर तो आप लोग देख सकते हो दैट इज़ द अप्स पॉइंट। देखो मैं चिल्ला चिल्ला के भी आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया हूँ ब्रैकियल प्लेक्सस वाले में कि अप्स पॉइंट क्या होता है, नहीं होता है, मैंने सारे के बारे में बताया। तो मैंने बताया कि अप्स पॉइंट कैसे बनता है, नर्व टू सबक्लेवियस कहाँ से अराइज होता है, तो देखो दैट इज़ द, हमने बताया था कि आपके ये C5 और C6 रूट है, ये बनाते हैं अपर ट्रंक, एंड अपर ट्रंक से डिवीजन आते हैं एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन, तो इसी से ये छः नर्व्स यहाँ पे आके मीट कर रही है, देख रहे हो दो नर्व्स ऐसे ऐसे, तो दैट्स पॉइंट इज अप्स पॉइंट। अगर इसी में डैमेज होती है यानी अपर प्लेक्सिस की इंजुरी होती है, अपर ट्रंक की इंजुरी होती है, दैट इट लीड्स टू द अप्स पैरालिसिस, अप्स पैरालिसिस जिसके बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग देखो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इट इज कॉज बाय द एक्सेसिव, अब देखो ये होता क्यों है, मैंने बता दिया अपर प्लेक्सिस इंजुरी क्यों बोलते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं कॉज बाय द एक्सेसिव इंक्रीज इन एंगल बिटवीन हेड एंड शोल्डर, देखो अगर हेड और शोल्डर के बीच में एंगल ज़्यादा हो जाता है ना, तो दैट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड द अप्स पैरालिसिस। मतलब देखो एंगल और हेड और शोल्डर, जो हेड और शोल्डर है, मैं तुम्हें फिगर दिखाता हूँ तब तुम्हारा क्लियर होगा। देखो दैट इज़ योर हेड पोर्शन एंड दैट इज़ योर शोल्डर पोर्शन, दोनों के बीच में क्या है, एंगल ज़्यादा है, क्या है, एंगल जो है वो इंक्रीज है हेड एंड शोल्डर के बीच में। तो क्या होता है कि अब ये दोनों के बीच एंगल ज़्यादा होने के कारण जब तुम ऊपर से नीचे कहीं गिरते हो, इस तरह अगर तुम कहीं गिरे, तब यहीं पे तुम्हारा क्या होता है ना, तुम्हारे जो कॉर्ड्स होते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस वो लोकेटेड होते हैं, तो वहीं पे जब कॉर्ड्स डैमेज हो जाते हैं तो इसलिए वहीं से तुम्हारा क्या होता है, नर्व सप्लाई वगैरह में प्रॉब्लम आता है। तो देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय, अगर अब ये होता कैसे, ये एंगल जो बढ़ जाता है वो कैसे बढ़ जाता है, जो हम लोग फॉल फ्रॉम द बैक एंड लैंडिंग ऑन द शोल्डर, मतलब ऊपर से गिरे और शोल्डर पे ही लैंड कर रहे हो, मतलब फिगर में देखा था ना कि ऊपर से नीचे गिर रहे हो, दैट इज द मेन कंडीशन। और जब बच्चों को ट्रैक्शन फोर्स के थ्रू बाहर खींचते हैं, देख रहे हो, दैट इज़ जब बच्चों को इस तरह खींचते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, उनके शोल्डर के पास इंजुरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अप्स पैरालिसिस, ठीक है। ट्रैक्शन ऑफ आर्म ड्यूरिंग द, देखो बच्चों को जब खींचते हैं तो जो उनके आर्म्स पे क्या होते हैं, ट्रैक्शन इज नथिंग बट अ फोर्स, उनके आर्म्स पे फोर्स लग जाते हैं, दैट्स वाई वहाँ पे जो कॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो देखो अब आपसे पूछेगा कि आप, देखो ये सारी बात तो हमने कहानी की तरह बताया आपको, बट आपसे अगर पूछता है कि आपके जो ये अप्स पैरालिसिस है उसमें होता क्या है, तो आपको बताना है इट इन्वॉल्व द अपर ट्रंक यानी C5 C6 रूट्स एंड लीड्स टू द टिपिकल डिफॉर्मिटी ऑफ अपर लिम, ठीक है, अपर ट्रंक आपको इन्वॉल्व, अपर ट्रंक इन्वॉल्व होगा एंड लीड्स टू द टिपिकल डिफॉर्मिटी ऑफ द लिम, ठीक है, अपर लिम में आपको डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुलिसमैन्स टिप हैंड या पोर्टर्स टिप हैंड या वेटर्स टिप हैंड, जो पुलिसमैन जो मतलब रिश्वतखोर पुलिसमैन जो अपना हाथ देते हैं, जिस तरह से पैसे देते हैं हाथ पीछे करके, उस तरह वाले रिश्वतखोर वालों की बात हो जाएगी, ठीक है, वेटर जो टिप लेते हैं। तो देखो इसमें आपको फिगर, मैं एक और फिगर दिखाता हूँ दैट विल शो आपको, देखो देखो इसमें आपको देखने को लग रहा है ना कि हाथ पीछे की ओर मुड़ चुका है, तो नॉर्मली क्या है ना, देखो ये पुलिसमैन टिप्स हैंड हो, इसी को बोलते हैं वेटर्स टिप्स हैंड, इसी को बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है कि आपका हाथ जो है वो मुड़ा हुआ है, दैट इज़ द प्रोनेटेड कंडीशन, हाथ क्या है, प्रोनेट हो गया है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम लोग का जो पोजीशन होता है एनाटॉमिकल पोजीशन में ये वाला पोजीशन को प्रोनेशन बोलते हैं। देखो अगर आप लोग पबजी खेलते हो तो पबजी में क्या होता है, प्रोनेशन मोड में क्या हो, लेट जाते हो तो हाथ को नीचे की तरफ होता है ना, वही ऐसा यहाँ पे दिखाएगा, तो प्रोनेट मोड है, तो ये प्रोनेशन हो जाता है तुम्हारा हाथ का। और मीडियली रोटेट, तो जब तक तुम एनाटॉमिकल पोजीशन पे ला के अपना हाथ को मीडियली रोटेट करोगे जब हाथ को, तो मीडियली रोटेट करोगे तो ऐसा ही कंडीशन कुछ दिखता है, ठीक है। और एल्बो क्या है, तुम्हारा एक्सटेंडेड है, देख रहे हो एल्बो पूरा एक्सटेंडेड है, तो ये सब तुमको देखने को मिलेगा जब ऐसा इंजरी होती है। तो देखो जरा यहाँ इस डिफॉर्मिटी में तुमसे अगर ऐसे कोई पूछता है तो क्या लिखोगे, आर्म्स हैंग बाय द साइड एडक्टेड, आर्म्स क्या, एडक्टेड मतलब पता है ना, अगर कोई पर्सन है, मान लो ठीक है मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, ये उसका हाथ है, ठीक है, एडक्टेड मतलब क्या होता है कि उसका हाथ इधर आएगा,
अपने मिड लाइन के करीब आएगा। और एबडक्शन मतलब क्या होता है कि वो दूर जाएगा, तो ठीक है, एडक्शन मतलब ऐड होना, तो मतलब क्या ऐड होके आएगा, तो ये हाथ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे फिगर पे थोड़ा ध्यान देना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एंड मीडियली रोटेटेड एंड फोर आर्म, देखो मैं बताया ना, फोर आर्म मीडियली रोटेट हो जाएगा, एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड, बिल्कुल एक्सटेंड रहेगा एल्बो और प्रोनेटेड। अब क्यों ऐसा होगा, तो आपको ये रीज़न पता होना चाहिए कि एडक्शन एंड मीडियली रोटेशन एंड फोर आर्म इज एक्सटेंडेड प्रोनेटेड, आपको पता होना चाहिए। एडक्टेड होगा और आपका मीडियली रोटेटेड होगा फोर आर्म, ठीक है, तो आपका जो आर्म होगा वो एडक्टेड और मीडियली रोटेटेड होगा। मतलब देखो ध्यान क्या रखना है, आर्म ऐसे लिखो, आर्म जो होगा वो एडक्टेड और मीडियली रोटेटेड, और जो आपका फोर आर्म होगा ना, फोर आर्म होगा वो कैसा होगा, एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड, ठीक है, एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड। तो आपको ये चारों चीज़ ध्यान में रखना है, आर्म जो होता है वो क्या होता है, एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड, एंड फोर आर्म एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड। सिंपल सी बात है, मैंने फिगर दिखा के आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब देखो क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे आपको अर्ब्स पैरालिसिस में, तो एडक्शन ऑफ द आर्म, अब देखो एडक्शन ऑफ आर्म पहले बताया था होगा, अब क्यों होगा एडक्शन आर्म का, बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड मसल वहीं पे होती है, डेल्टोइड मसल सप्लाई द विच नर्व, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखो, एक्सिलरी नर्व, ठीक है। एंड मीडियल रूट ऑफ द आर्म, ठीक है, मीडियल रूट ऑफ द आर्म, मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म, सॉरी मीडियल रोटेशन क्यों होगा, क्योंकि सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंफ्रा स्पाइनेटस एंड टेरिस्पाइनल मसल जो होता है ना वो तुम्हारा डैमेज हो जाता है। अब आप कह सकते हो कि जो आपका सुप्रा स्पाइनेटस इंफ्रा स्पाइनेटस सुप्रा स्कैपुलर नर्व से सप्लाई हो रहा था, जो अपर ट्रंक से निकल रहा था, याद है ना, अपर ट्रंक से नर्व निकल रहा था, तो वहाँ पर डैमेज हो गया, तो इससे क्या होता है, मीडियल रोटेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द सुप्रा स्पाइनेटस इंफ्रा और टेरिस माइनर, क्या हो रहा था याद है ना, लोअर सब स्कैपुलर नर्व से। तो आप कहोगे कि भाई अपर ट्रंक के डैमेज से लोअर सब स्कैपुलर नर्व को क्या मतलब, क्योंकि लोअर सब स्कैपुलर नर्व तो ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड का, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका पोस्टीरियर कॉर्ड था वो कैसे बन रहा था, बिकॉज ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल द थ्री ट्रंक्स, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, तो उसमें भी तो अपर ट्रंक के फाइबर्स आ रहे थे ना, तो अपर ट्रंक में डैमेज हुआ तो कुछ डैमेज वहाँ भी दिखेगा, तो टेरिस माइनर मसल का भी तुम्हारा पैरालिसिस हो गया। बात को समझो, देखो इसके लिए आपको इस वीडियो को समझने के लिए आपको ब्रैकल प्लेक्सस क्लियर होना चाहिए। नाउ द एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, प्रोनेटिंग फोर आर्म, एल्बो एक्सटेंड कर जाता है, तुम्हारा जो फोर आर्म है वो प्रोनेट करता है, क्यों, क्योंकि पैरालिसिस होती है बाइसेप्स ब्रेकाई की। अब आपको अगर बाइसेप्स ब्रेकाई बिकॉज ऑफ द मसल सप्लाई कौन सी कर रही थी, जो हमारी लेटरल कॉर्ड की मसल थी, लेटरल कॉर्ड की नर्व थी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नाम लिखो फिर वीडियो पॉज करके, मस्क्यूलोकुटेनियस नर्व, ठीक है। अब आपको सेंसेशन का लॉस देखने को मिलेगी आर्म में ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रूट ऑफ C6 स्पाइनल नर्व, ठीक है, क्योंकि C6 के भी कुछ रूट होते हैं इसलिए उनमें सेंसेशन देखने को मिलेगी। तो ये जितना बात मैंने बताया, देखो जो आपको मेन चीज़ इसमें याद रखना, देखो और सारा बात याद रखो तो और बेटर है, बट आपको मेन चीज़ क्या क्या याद रखना है कि इसमें कौन से पुलिसमैन टिप्स हैंड हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि C5C रूट डैमेज हो रहा है, और इसमें आर्म्स जो होता है वो एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड, और फोर आर्म जो होता है वो एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड होता है। उसके बाद आपको क्लिनिकल फीचर्स पूरे पता होना चाहिए, क्या, पहला क्लिनिकल फीचर इज व्हाट, एडक्शन ऑफ द आर्म, दूसरा क्लिनिकल फीचर इज द मीडियल रोटेशन, तीसरा इज द पैरालिसिस ऑफ सॉरी तीसरा इज द एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, ठीक है, एंड चौथा इज द लॉस ऑफ सेंसेशन। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, लॉस ऑफ सेंसेशन, तो इतनी बातें बस याद रखोगे, एडक्शन क्यों होता है डेल्टोइड के पैरालिसिस से, मीडियल रोटेशन क्यों होता है सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनल के पटेरिस माइनर के पैरालिसिस से, एक्सटेंशन क्यों होता है बाइसेप्स ब्रेकाइस के पैरालिसिस से, लॉस क्यों होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ C6 नर्व, तो इसी में आपका कंप्लीट हो जाता है एब्स पैरालिसिस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं क्लम्पे के पैरालिसिस पे, ठीक है, क्लम्पे के पैरालिसिस पे आपको पूरी डिटेल बताएंगे, और उसके बाद हम लोग इसके डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है।